जलपरी का जादुई लहंगा। परीलोक में मरीना और सितारा नाम की दो जलपरियां रहती थी। कुछ साल पहले ही समुद्र सूख जाने के बाद उन्हें मजबूरन परीलोक में एक छोटी सी नदी में रहना पड़ा। उन्हें बड़े से समुद्र में रहने की आदत थी, इसीलिए उनके लिए छोटी सी नदी में रहना बहुत ही मुश्किल था, पर वह कर भी क्या सकती थी। इसके अलावा उनका और कोई ठिकाना नहीं था। मरीना, आखिर कब बारिश होगी और हम अपने समुद्र में जाएंगे? मुझे इस छोटी सी नदी में अच्छा नहीं लगता। भगवान जी से प्रार्थना करने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ एक परी आती है। अरे, मैं तुम दोनों जलपरी को कुछ दिनों से इस नदी में देख रही हूँ। तुम दोनों इससे पहले कहाँ रहती थी? फिर मरीना जलपरी उस परी को सारी बात बताती है। ओ, तो ऐसी बात है। वैसे मैंने सुना है कि जलपरियों के पास जादू शक्तियाँ होती हैं। तो क्या आप लोगों के पास भी हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप अपनी जादू शक्तियों से बारिश करा सकती हैं, इससे आपका समुद्र भर जाएगा। नहीं, हमारी जादू शक्तियाँ इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम प्रकृति को बदल सकें, और इसीलिए हम बारिश नहीं कर सकती। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैं इंतजार कर रही होंगी, और मुझे काम पर भी तो जाना है। क्या तुम काम पर जाती हो? पर अभी तो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम स्कूल जा सके। पहले मैं काम करूँगी, उसके बाद जब हमारे पास पैसे होंगे तब मैं स्कूल जाऊंगी। और हाँ, मैं हर रोज आप लोगों से यहाँ मिलने के लिए आया करूंगी। ठीक है। उस दिन से श्रिया परी, सितारा और मरीना दोनों जलपरियों से मिलने के लिए आने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन श्रिया जलपरियों के पास आती है। तुम लोगों को पता है, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी है। सच में? पर क्या, तुम्हें समुद्र में पानी चाहिए था ना? अब समुद्र पूरा पानी से भर गया है। क्या कह रही हो, बारिश तो हुई नहीं, फिर पानी कहाँ से आया? मैंने परीलोक की रानी परी को ये सारी बातें बताई थी और उनसे रिक्वेस्ट की कि वे बड़े वाले समुद्र से आपके समुद्र में थोड़ा सा पानी ला दें। और उन्होंने मेरी बात मान ली। अब आपका समुद्र पानी से भर चुका है, इसीलिए आप अपने समुद्र में वापस जा सकती हैं। सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया। और ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे से तुम कुछ भी मांग सकती हो, खाना, पैसा, कुछ भी। ये तुम्हारी हर छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार अब मैं स्कूल जा पाऊंगी। जब मेरी माँ को इस बारे में पता चलेगा फिर तो वो कितनी खुश होंगी। इसके बाद तीनों बहुत ही खुश होती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी का जादुई ताज। एक खूबसूरत सा परीलोक था जहाँ बहुत सी परियां रहती थी। उन्हीं परियों में एक सौम्या नाम की भी परी अपनी दादी के साथ रहती थी। उस परीलोक की रानी परी किसी बीमारी के कारण कुछ ही दिनों में मरने वाली थी, इसीलिए वह अपना पद किसी अच्छी परी को देना चाहती थी जो कि सबकी मदद कर सके और पूरे परीलोक को अच्छे से संभाल सके। इसीलिए एक दिन रानी परी कुछ परियों को महल में बुलाती है, जिनमें सौम्या परी भी शामिल थी। तुम कौन हो और तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें रानी परी बनने की खुशी नहीं? नहीं रानी परी, ऐसी बात नहीं है। वो मैं बहुत ही गरीब हूँ और मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। आप मुझे रानी परी क्यों बनाएंगी? मैं तो गरीब हूँ ना, मेरे पास है ही क्या। अब सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम लोगों की कुछ परीक्षा लूंगी और जो इस परीक्षा को पास करेगा उसे ही रानी परी का ताज दिया जाएगा, जिसके साथ उसे जादू शक्तियाँ भी मिलेंगी। इसीलिए अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। पर रानी परी, परीक्षा क्या है? वो तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा। इसके बाद सभी परियां अपने घर जा चुकी थी और सौम्या परी भी अपने घर आ जाती है। सौम्या परी अपनी दादी को सारी बात बताती है। फिर एक दिन वह काम पर जा रही थी
तभी रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जिसे काफी चोट लगी हुई थी। तो सौम्या पर इसे उसकी हालत देखी नहीं जाती और फिर उस कुत्ते को अपने घर ले आती है। वह उसकी पट्टी भी करती है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और फिर कुत्ता ठीक होने लगता है। पर सौम्या परी के पास उस कुत्ते के इलाज के लिए पैसे नहीं थे और न ही खाने के लिए थे। इसलिए सौम्या परी बड़ी ही मुश्किल से उसकी दवाइयाँ लेती थी और अपने हिस्से से उसे खाना दिया करती थी। धीरे धीरे वह दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और अब 10 दिन भी पूरे हो जाते हैं। बेटा, आज तो रानी परी ने तुम्हें बुलाया था ना? दादी, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। वैसे भी मैं कौन सा रानी परी बनने वाली हूँ। ठीक है, तुम जाओ तो सही। फिर सौम्या परी रानी परी के पास पहुँच चुकी थी। रानी परी, आप तो बताइए कि परीक्षा क्या थी? दरअसल मैं कुछ दिनों से अपनी जादू शक्तियों से तुम सभी को देख रही थी और मेरी नज़र में सौम्या परी बहुत ही अच्छी है। वह पूरे परिलोक को संभाल सकती है और वह सबका ख्याल रखना भी जानती है। जिस तरह से उसने उस कुत्ते की मदद की, मुझे पता है वह पूरे परिलोक को अच्छे से संभालेगी। इसीलिए रानी परी सौम्या ही बनेगी। ये सब सुनकर सौम्या परी बहुत ही खुश थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी और जादुई तरबूज। सौम्या परी अपनी माँ के साथ मिलकर तरबूज की खेती किया करती थी और फिर उन तरबूजों को बेचा करती थी। बस इसी तरह से उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन वहाँ एक व्यक्ति आता है। तुम लोगों ने अब तक यहाँ अपने तरबूज लगाए, पर अब तुम लोगों को ये तरबूज यहाँ से हटाने होंगे क्योंकि ये जगह मैंने खरीद ली है। साहब, आप ये जगह कैसे खरीद सकते हैं क्योंकि ये जगह तो सरकारी है ना? अब तुम लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। सारे तरबूज तोड़ लो वरना मैं ये सारे तरबूजों को बर्बाद कर दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम पुलिस को बुलाएंगे। उसकी चिंता मत करो क्योंकि मैं खुद ही पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है। तुम लोगों को ये तरबूज यहाँ से हटाने ही होंगे क्योंकि ये जगह इनकी ही है। अगर अच्छे से समझ जाओ तो तुम लोगों के लिए बेहतर ही होगा। आखिरकार दोनों को वहाँ से वे तरबूज तोड़ने पड़ते हैं। साहब, आप चिंता मत कीजिए, जगह खाली करवाने की जिम्मेदारी मेरी। आखिरकार आपने मुझे पैसे जो दिए हैं। माँ, अब हम इतने सारे तरबूजों का क्या करेंगे? ये तो कुछ दिनों में ही खराब हो जाएंगे और फिर इसके अलावा हमारे पास और कोई काम भी तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे? पुलिस वाला भी हमारी मदद नहीं करेगा। ये तरबूज 2 दिनों में नहीं बिकेंगे, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। सारे तरबूज खराब होने से पहले हम इन तरबूजों को बेच ही देंगे और वो भी सबसे सस्ते में। बाकी लोग जितने में तरबूज देते हैं उनसे हम आधे दामों में ही तरबूज देंगे जिससे हमारे तरबूज बिक जाए। ठीक है माँ, दोनों तरबूज बेचने की कोशिश करती हैं, पर शाम तक बस उनके कुछ ही तरबूज बिक पाते हैं। वे दोनों निराश होकर वापस आ जाती हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान थी। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। देखना, ये सारे तरबूज फेंकने के अलावा अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तरबूज फेंकने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या, ये तरबूज कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि मैं जादू तरबूज हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। जिसने वो जमीन खरीदी है और वो पुलिस ऑफिसर, दोनों ही धोखेबाज हैं। अब वह जमीन तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगी, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर कैसे, अब क्या कर सकते हैं? वह जादुई तरबूज अपनी जादुई शक्तियों से बाकी के सारे तरबूजों को सोने का बना देता है। ये क्या, सोने के तरबूज? सोने के तरबूज तो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। ये सारे तरबूज तुम्हारे हैं और तुम इन्हें बेचकर काफी अमीर हो सकती हो। क्या, इतने सारे तरबूज और वो भी हमारे लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हमारे पास सोने के भी तरबूज होंगे। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। फिर वह जादुई तरबूज वहाँ से गायब हो जाता है।
सौम्या परी और उसकी माँ उन सोने के तरबूजों को बेचकर काफ़ी अमीर हो जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।